कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है। अस्सलामु अलैकुम बंधुरा, धर्मपाल चैनल पक्ष के जाना आंतरिक शुभेच्छा और स्वागतम जानिए शुरू कर आजकल भिडियो। अपनारा जानें बर्तमान देशे हिंदू और मुस्लिम के लिए राजनीति शुरू हो गए, किंतु एर मध्य अनेक हिंदूा सब समय मुस्लिम विद्वेषी कथा बोलते और मुस्लिमरा हिंदू विद्वेषी कथा बोलते। होते पारे तारा पंडित, होते पारे तारा आलेम, किंतु ये सिस्टेम बर्तमान एकेबारे जर्जरित हो गए। एटा शुधुमात्र आमादेर देश नय, एक ही अवस्था, एकमात्र निजेदेर धर्म निये राजनीति। एर मध्य एक जन हिंदू पंडितेर कथा आपनादेरके बोलबो, जार कथागुलो शुनले आपनादेर कलेजा ठंडा हो जाबे। आसुन आपनादेरके सेई भिडियोटी देखाई। तार आगे एकटा कथा बोले दी, আমি অনেক ওয়াজ শুনেছি, কারণ আমরা মুসলিম ঘরের সন্তান, আমরা সবসময় ওয়াজ মাহফিলগুলো শুনে থাকি এবং কি ধর্মীয় নীতিগুলো আমরা শেখার চেষ্টা করি। এত সুন্দর করে পবিত্র কোরআনের কথা আর বদরের যুদ্ধের কথা এত সুন্দর করে কেউ বলতে পারে হিন্দু হয়ে, আমার জানা ছিল না। কিন্তু এই ব্যক্তির কথাগুলো শুনে আমার কলেজাটা সত্যি ঠান্ডা হয়ে গেছে। আসুন আপনাদেরকে শোনাই। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरह 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबी के खंभे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उसने उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं। ऐसे थे रहमत, ऐसी ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ की भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आपने कहा कि अबू सुफियान को माफी और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी और जो इबादतगाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस मक्का में माफी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया। तो अपनारा देखलें, अपनारा सबाई व्यक्ति जो दुआ करबें आल्लाह ताला जाते इनके हिदायत दान करें। आजकल भिडियो ए पर्यन्त, जदि ये भिडियो भलो लेगे थे तो एक लाइक कर अपना मूल्यवान मतमत जान कमेंटर माध्यम और शेयर कर सबाई के देखार सूझ कर दिन। अपना जरा यूट्यूबे देखें एखन चैनल के सबसक्राइब कर दिन। धन्यवाद।